देखिए आज हम अनुवाद में यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कहाँ पर होता है। ज्यादातर जो है समस्या हो जाती है अनुवाद करने में कि देयर का प्रयोग कहाँ पे किया जाए। ठीक है, देयर का प्रयोग कहाँ किया जाए। देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कह सकते हो, आई एन टी आर ओ डी यू सी टी ओ आर वाई, परिचय कराने वाला। ठीक है, यह डमी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ था होता है वाक में। यानी अर्थहीन करता, वाक में हिंदी अगर वाक देखा जाए इसका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे कहा जाए कि देयर इज अ काउ इन द एफ आई ईयर डी, अब देयर इज काउ इन द फील्ड, खेत में एक गाय है। ठीक है, अब खेत में एक गाय है तो देर में यहां क्या कहोगा। देखिए खेत का खेत हो गया, इनका इन हो गया, एक आय हो गया, इनका है हो गया, काऊ का काऊ हो गया। अब बच्चा देर, देर कोई मतलब नहीं करा, इसीलिए इसको अर्थहीन करता कहते हैं। तो देर का प्रयोग होता कहां पर है ये आपको जानना है। जब कोई वाक्य, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वाक्य किसी वस्तु स्थान, किसी वस्तु या स्थान या नाउन के होने का बोध कराए, उसमें कोई एक्टिविटी ना हो, ठीक है, किसी स्थान पर होने का बोध हो कि स्थिति या अस्तित्व, जब कोई वाक्य किसी वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो, ऐसे भी कह सकते हो स्टार्ट, जब कोई वाक्य किसी वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो तो वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि गांव में एक तालाब है, गांव में एक तालाब है, अब क्या हो जाएगा, देयर इज, क्योंकि एक है इसलिए यहां पर जो वर्ब लगेगा इज लगेगा, देयर इज अ पॉन्ड इन द वी आई डबल आर ए जी ई, देयर इज अ पॉन्ड इन द विलेज। जैसे कहा जाए कि बाग में अनेक मोर थे, बाग में अनेक मोर थे, अब देखिए अनेक हो गया मेनी, थे बहुवचन। देखिए बाग और गांव ये वस्तु या स्थान है इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। जो हमारे वाक्य हैं वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो रहे हैं, जब हमारे वाक्य वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो रहे हैं तो वहां पर हम एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, जिसका अनुवाद हो जाएगा देयर वेयर मेनी पीकॉक, पीई ए सी ओ सी के एस, पीकॉक कहां, इन द गार्डन, इन द जी ए आर डी ई एन। वैसे एक वाक्य और देख लीजिए, जेब में एक सिक्का था, जेब में एक सिक्का था, तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद, देयर
वाज एसईओ आई एन इन द पी ओ सी के ई टी। ठीक, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं कि कोई वाक्य वस्तु या स्थान इसमें काम नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, काम नहीं होना होता है, वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के होने की बात होती है, उसमें रहता है, ध्यान दीजिएगा। है इसमें भी है, गांव में एक तालाब है, उसमें एक्टिविटी कोई नहीं है, मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो, ये भी कह सकते हो कि वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो और वस्तु या स्थान से समाप्त हो जाए, नाउन से समाप्त शुरू हो और नाउन से समाप्त हो जाए। ठीक है, नाउन से मालूम है, देख लीजिए, नाउन नाउन से शुरू हो रहा है और नाउन से ही समाप्त हो जाए। तो जहां पर कोई वाक्य में कोई वाक्य किसी वस्तु या स्थान से प्रारंभ हो या उसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु जो भी है उसके होने की बात हो, उसके होने की बात हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। देयर के बाद सब्जेक्ट हो जाए और देयर के बाद वर्ब हो जाता है। ठीक है, इसका हम वर्तन मेथड लिख दे रहे हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस अदर। ठीक है, ये रहा, ये बात का नियम है, आपको इसी पर डालना है। थैंक यू।